नमस्कार साथियों, वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2023-27 है, सेमेस्टर वन के जो है रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, वैसे बीएससी और बीकॉम का पीडीएफ वाला रिजल्ट जो है वो जारी हो ही चुके हैं, आपने चेक कर लिए थे, ठीक है, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बीए का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है। साथ में बीए बीएससी बीकॉम का जो है मार्कशीट वाला रिजल्ट जो है वो भी जारी नहीं हुआ है, तो कब तक जारी हो जाएगा? और इससे पहले हमने बीए का रिजल्ट जो है आपको सोमवार के ही दिन बताया था कि आपका रिजल्ट जो है उस दिन सोमवार को भी जारी हो सकता है, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे थे इसलिए हमने आपको बताया था, बट जो है रिजल्ट आपका जारी नहीं हुआ है और आप लोग भी नाराज हैं, ठीक है, हमें पता हो जाता है ना, ठीक है, क्या करिएगा आप, हम तो बोल देते हैं लेकिन अब यूनिवर्सिटी के हाथों में सारा चीज़ है, हमारे हाथ में रहता था हम कब से कब आपका रिजल्ट जारी कर देते, लेकिन करेंगे भी के तो क्या करेंगे भाई, ठीक है, तो इसलिए आखिर आपका रिजल्ट सच में कब जारी हो रहा है संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीए जो मतलब पीडीएफ वाला भी इंतजार कर रहे हैं, जिसका अभी तक पीडीएफ वाला भी नहीं आया है, यानी आर्ट्स वाला का बीए का रिजल्ट, तो देखिए आपका रिजल्ट ना वो कभी भी जारी किया जा सकता है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट जो भी कमेंट्स करते हैं चाहे टेलीग्राम पर हो यूट्यूब पर हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, आज हो कल हो परसों हो तरसों हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी होने वाला है, कभी भी हो सकता है, समझो कि आज भी हो सकता है कल भी हो सकता है, ठीक है, इसका कोई फाइनल तिथि नहीं होती है रिजल्ट्स का, एग्जाम कंट्रोलर का मन हुआ ना तो अभी ये कर देगा, ठीक है, तो उनके हाथों में है, ठीक है, सारा कुछ हो ही चुका है, कोनो चीज़ में दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट्स कभी भी जारी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपका रिजल्ट है हम आपको बता दें कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय भी लेगा ना तो भी आपका रिजल्ट जो है 6 या 7 तारीख को जो है आपका जारी हो जाएगा, इसके बाद नहीं जाना चाहिए, ये आप बात ध्यान रखेंगे, बीए का पीडीएफ वाला रिजल्ट 6 या 7 तारीख से आगे नहीं जा सकता है, ठीक है, इससे पहले ही आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है आपका 3 तारीख हो चुका है, तो 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इससे पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, चाहे आज हो या कल हो या परसों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में जैसे ही बीए का रिजल्ट जारी होता है इसके तुरंत बाद, ठीक है, 4 से 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लो, आपका जो है रिजल्ट जो है मार्कशीट वाला भी सभी का, ठीक है, एक साथ सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे कि मतलब तीनों स्ट्रीम का एक साथ ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, मतलब मार्कशीट वाला, ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका रिजल्ट जारी होने वाला है आप ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी जारी हो सकता है, मार्कशीट वाला आपका जारी होने ही वाला है, ठीक है, वैसे कुछ भी होगा तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कंफर्म डेट नहीं होता है, अन्यथा हम आपको कंफर्म डेट ही बताते, क्योंकि कंफर्म डेट तो क्या हम आपको बताएंगे, एग्जाम कंट्रोलर कहता है कि हम फलाना डेट में जारी कर देंगे, नहीं करता है, अब हम लोग उसमें बदनाम हो जाते हैं, आप हमें देखते हैं आप हमें सुनते हैं और आपको लगता है कि ससुरा ये भी झूठे बोल रहे हैं, अब हम लोग इसीलिए नहीं बताते हैं, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप हमारी बातों से सहमत होंगे, वीडियो पसंद आया है लाइक करना शेयर करना, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आप लोगों के लिए और मोटिवेट मिलेगा कि आप लोगों के लिए काम कर सकेंगे, धन्यवाद।